नमस्ते, मैं हूँ पूर्वा गोखले, यानी कि आपकी अनुप्रिया फ्रॉम तुझसे है राबता। आप देख ही रहे हैं कि आज गुड़ी पाड़वा है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आज गुड़ी पाड़वा मनाने वाली हूँ। तो हम करेंगे गुड़ी की पूजा। आप सबको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार तो एक्चुअली मैं हमारे राबता के सेट पे गुड़ी पाड़वा मनाने वाली हूँ, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है नहीं होने वाला है। तो आज हम शूट कर रहे हैं, एक्चुअली पहली बार ऐसे हुआ है कि गुड़ी पाड़वा के दिन मैं अपने घर पर नहीं हूँ और राबता के फैमिली के साथ हूँ। घर जाते जाते तो शाम हो जाएगी, तो ये जो गुड़ी हमने आज बनाई है और लगाई है, ये हमने राबता के सेट पे ही लगाई है। तो आप देख रहे हैं कि आज तो यहीं पे ये सब गुड़ी पाड़वा का त्यौहार आज मैं यही मनाऊंगी, क्योंकि घर जाते जाते तो रात हो जाएगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा। मतलब नॉर्मली गुड़ी पाड़वा दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज इसी फैमिली के साथ मैं गुड़ी पाड़वा मनाऊंगी। गुड़ी पाड़वा नए साल की शुरुआत होती है महाराष्ट्र हिंदूज़ में, तो नॉर्मली ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं और ये ऐसे नए साल की शुरुआत। और कहा जाता है कि राम जी वनवास 14 साल के बाद वापस आए थे घर, तो उस खुशी में ये गुड़ी मनाई जाती है। तो ये एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर ये साड़ी उसको पहनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं कलश है और मिठाई है और ये फूल है। तो गुड़ी की पूजा की जाती है राम जी के वापस लौटने पे, और नए साल की शुरुआत है इसीलिए। तो इसीलिए आज ये गुड़ी की तैयारी की है, उसकी पूजा मैंने की है, सबके साथ में आज पूजा करूँगी इस गुड़ी की। और आज हम आज के दिन तो आई थिंक मुझे सब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, तो हम यही दुआएं मांगेंगे कि ये कोविड जल्द से जल्द चला जाए और सबको ठीक कर दे। बस घर में मैंने कल ही तैयारियाँ की थी घर जाने के बाद, ये सारी जो तैयारियाँ है जो आज यहाँ की है मैंने राबता के सेट पे, मैं कल ही घर पे करके आई हूँ। तो आज मेरी मदर इन लॉ है घर पे, वो ये सब करेगी बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है तो वो सब ये करेगी, लेकिन तैयारियाँ मैं करके आई हूँ। तो कुछ मीठा बनेगा घर पे, नॉर्मली श्रीखंड बनता है या बच्चों को जो अच्छा लगता है गुलाब जामुन बनता है, पर अब आम का सीज़न है तो आमरस बनेगा या फिर आम की कोई आम का श्रीखंड बनेगा। तो एक मीठा कुछ बनाया जाता है घर पे नए साल की शुरुआत में, तो वो सब तैयारियां मैं करके आई ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हमेशा मेरा ऐसे होता है कि क्योंकि अब राबता को भी 3 साल हुए, तो ये भी मेरे लिए एक दूसरी फैमिली है। तो ये त्यौहार का हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे दोनों के साथ मनाना होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं घर पर भी मनाऊँ और यहाँ इनके साथ भी मनाऊँ। तो बाकी के त्यौहार के ना बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे दिवाली के बहुत सारे दिन होते हैं, तो एक दिन यहाँ मनाओ एक दिन वहाँ मनाओ, ये एक एक दिन के जो त्यौहार होते हैं ना, तब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के दिन ये मतलब शायद मेरे नसीब में ही था कि मुझे सेट पे ही आके ये मनाना है, तो इसलिए आज थोड़ा सा मतलब घर जाने का भी मन कर रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो कोई बात नहीं, अब यहाँ मनाऊँगी। एक्चुअली यही याद है कि बचपन से हमने देखा है कि मैंने जो माँ को देखा है करते हुए गुड़ी के गुड़ी उभारना या फिर उसकी पूजा करना, मीठा बनाना, सब घर पे होता है साथ में एक दिन एक साथ खाना खाना, तो वही चीज़ मैं भी करती आई हूँ मेरे घर पे अभी बच्चों के साथ। तो यही सारी यादें हैं कि एक दिन छुट्टी मिलती है तो सब फैमिली, नहीं तो नॉर्मली लाइफ में हम इतने बिजी हो चुके हैं आजकल कि सब साथ में मिल के खाना, बैठ के खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो यही चीज़ें हैं जो नॉर्मली मैं फेस्टिवल्स पे ट्राई करती हूँ करना, कि सबके साथ बैठ के शांति से बैठ के खाना खाना, वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। ध्यान में तो आई थिंक जो नॉर्मली सारे लोग जो बाहर काम पे निकलते हैं वो करते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ भी कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो आते वक्त आपका भी टेम्परेचर और ऑक्सीजन चेक किया होगा, सैनिटाइज़ किया होगा आपको। तो हर एक आदमी बाहर से जो आता है, हम भी जब रोज़ घर जाकर वापस आते हैं तो सैनिटाइज़ करते हैं अपने आप को, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं, सेट सैनिटाइज़ होता है, मेकअप रूम सैनिटाइज होते हैं, हम मास्क पहने हुए होते हैं। तो सारी टीम एक साथ मिलके इस पैंडमिक को फाइट करने की कोशिश कर रही है, तो वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। और मैं वही लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे आजू बाजू में लोग हमारे साथ जो रहते हैं उनकी भी बात है, तो आप प्लीज़ वो भी ध्यान में रखिए कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए लेकिन पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक वी ऑल जस्ट हैव टू कम टुगेदर
दिस टाइम टू फाइट द पैंडमिक। फैंस को यही मैसेज दूंगी कि एक तो गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं, नया साल शुरू हो रहा है, इतने सालों में 3 साल हो गए राब्ता को, आपने राब्ता को आज तक 3 साल में जितना प्यार दिया है उतना ही प्लीज़ देते रहिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने की, इस पैंडमिक में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेट पे आए इतने सारे लोग जो बीच में काम करें, ताकि आप घर पे बैठ के लॉकडाउन में एंटरटेन हो। तो प्लीज़ 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 हमारा शो देखते रहिए ZTV पे 8:30 बजे।